हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि बेबी के ईयर को कैसे क्लीन करें, क्योंकि बेबी की हर एक चीज़ बहुत ही नाजुक होती है। इसलिए शुरू शुरू में हर नई माम को ये हर चीज़ में ये टेंशन होती है कि बेबी के लिए हम क्या करें, बेबी की ईयर कैसे साफ़ करें, उसकी नोज़ कैसे साफ़ करें, उसकी टंग कैसे क्लीन करें। मैंने टंग क्लीनिंग पे एक वीडियो बनाई भी है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चाहें तो वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि बेबी के ईयर को कैसे क्लीन करें, जो कि एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बेबी का ईयर कैसे क्लीन करें, ये हर एक नई माम की प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि हर माँ अपने बच्चे के लिए बेस्ट चाहती है। और ईयर एक ऐसी चीज़ है, कान एक ऐसी चीज़ है, जो मतलब साफ़ करने में, उसको क्लीन करने में काफ़ी डर भी लगता है कि बच्चे को कोई दिक्कत ना हो जाए। इसके लिए जो है, जब पहली पहली बार पहला बेबी होता है तो ऐसे में बहुत टेंशन होती है कि हम बेबी के मतलब उसका कान कैसे साफ़ करें। तो इसके लिए आप जो बेबी ईयरबड्स आता है आप वही यूज़ करें, जो नॉर्मल ईयरबड आता है उसको आप मत यूज़ करें। बेबी के लिए स्पेशली आता है वो आप यूज़ करें, तो उससे जो है आसानी से साफ़ हो जाएगा आपके बेबी का कान। लेकिन बहुत ज़्यादा अंदर तक आपको नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि काफ़ी गंदगी है अंदर, फिर भी आपको हल्के ऊपर से ही साफ़ करना है। अगर बहुत ज़्यादा अंदर गंदगी, तो उसके लिए आप डॉक्टर के पास जा सकती हैं, आप डॉक्टर से क्लीन करवा सकती हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा अंदर आपको नहीं करना है, उससे बेबी के पर्दे पे चोट लग, कान के पर्दे पे चोट लग सकती है, वो उसको नुकसान कर सकता है। इसलिए हल्के हल्के आप करिए। और जो ऊपरी हिस्सा है, जो इधर का हिस्सा होता है ऊपरी हिस्सा, वो आप एकदम सॉफ्ट कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, उसको आप हल्के गुनगुने पानी में आप भिगा दीजिए। और उसके बाद जो है, उसका जो ईयर का पूरा सारा बाहर का एरिया, अंदर का एरिया जो भी है, उसको आप थोड़ी देर के लिए भिगा के छोड़ दीजिए। तब आप उसको साफ़ करिए, ताकि जो भी मैल है थोड़ा हो जाए। या आप उसको नहलाने के टाइम, जब नहला रही हो तब वो जब हल्का मुलायम हो जाए तब आप साफ़ करिए। ऐसे टाइम में बच्चे का जो है ईयर आप आसानी से साफ़ कर लेंगी। और अगर आपको बेबी के ईयर का अंदर वाला हिस्सा साफ़ करना है ईयरबड से, बेबी ईयरबड जो आता है उससे आप साफ़ करिए। और वो ऐसे टाइम साफ़ करिए जब बेबी या तो चुपचाप लेटा हुआ हो या तो वो सो गया हो, जिससे कि वो कान को अपने हिलाए नहीं। क्योंकि अगर वो हिलाएगा तो, अगर आप ज़्यादा अंदर नहीं भी करेंगे तब भी उसको चोट लगने का डर रहेगा। इसलिए आप जो है हमेशा थोड़ा ऊपर से, और जब बेबी सो जाए या चुपचाप लेटा हुआ हो, ऐसे टाइम में आप करिए, जिससे उसको उसके ईयर में चोट लगने का डर बिल्कुल ना रहे। और इस जो है ईयर की जो क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप उसको नहीं क्लीन करेंगी तो उससे काफ़ी तरह मतलब इन्फेक्शन भी हो सकता है, जो काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। अगर बच्चे के ईयर के अंदर ज़्यादा कुछ इन्फेक्शन हो गया तो बच्चे को बहुत तकलीफ़ होगी उससे। तो इसलिए अपने बच्चे का ईयर ज़रूर क्लीन करिए, लेकिन उसको जैसे मैंने जो बताया उस तरीके से आप क्लीन करिए, तो उसको कोई परेशानी भी नहीं होगी और आपका आपके बच्चे का ईयर अच्छे से क्लीन हो जाएगा। ये तरीका बताया, आप उसी तरह से अपने बेबी का ईयर क्लीन करेंगी तो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।